हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में HNL ब्लॉग में। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा रिव्यू लेके आई हूँ फ्रेंड्स, जो आपको एक नई दुनिया में लेके चला जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अपने फ्लैक्सीड ऑयल के बारे में। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ फ्लैक्सीड ऑयल क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। आपने देखा ही होगा फ्लैक्सीड ऑयल, इसे हम अलसी का तेल कहते हैं फ्रेंड्स। ये है फ्लैक्सीड ऑयल। ये देखिए दोस्तों, फ्लैक्सीड ऑयल जो कि मेरे हाथ में है, और है लिखा हुआ है कि ओमेगा 3-6-9 इसमें होता है। ये मेंटेन करता है हमारे नॉर्मल ब्लड शुगर को, और उसके बाद ये हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स, हमारे जॉइंट पेंस के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये इस टाइप की जो पैकेट है वो मुझे मिला है फ्लैक्सीड ऑयल का, और आप कंपनी देख सकते हैं, कोई प्रमोशन नहीं है, ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स इसे खोल के भी, ठीक है। ये देखिए इस टाइप की ये बॉटल है, और इसके अंदर जो टैबलेट्स होती हैं वो कितनी होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसकी MRP 600 है, बट मुझे डिस्काउंट में ये मिली है। और इसके अंदर देखिए आपको एक्सपायरी डेट भी मिलेगी, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी मिलेगी, और इस तरीके से आप देख के इसे ले लीजिएगा। अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट में ये आसानी से मिल जाती है फ्रेंड्स। और देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है कि 60 इसके अंदर सॉफ्ट जेल है। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से इसमें कैप्सूल आई हैं। ये देखिए, तो ये इस तरीके से कैप्सूल है जिसे आप ऐसे भी इंटेक कर सकते हैं। आपके हेयर के लिए, आपके फेस के लिए बहुत अच्छी है ये। ऐसे 60 कैप्सूल इसके अंदर है, और अगर आपको अपने हेयर को अच्छा रिपेयर करना है, अपने स्किन को रिपेयर करना है, तो उसकी आप एक टैबलेट रोज़ ले सकते हैं। विंटर में आप इसकी 2 टैबलेट भी ले सकते हैं, क्योंकि विंटर में थोड़ी इसकी तासीर जो है वो थोड़ी सी गर्म होती है। और इसमें वार्निंग लिखी है फ्रेंड्स, देखिए कि प्रेगनेंसी में आप इसे नहीं ले सकते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर की सलाह पे आप इसे लीजिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप इसकी 3 जो टैबलेट्स है वो एक दिन में ले सकते हैं आफ्टर मील खाने के बाद। तो इस तरीके से ये फ्लैक्स सीड्स का आपको पूरा जो है बॉक्स मिल जाएगा फ्रेंड्स। अलसी में पाए जाने वाली ओमेगा 3 आपके जो फैट है उसे भी बर्न करने में हेल्प करता है। जो आपके अंदर फैट जमा हो गया है, मतलब मोटे हैं आप लोग, फैट आपके अंदर ज़्यादा हो गया है, तो फ्रेंड उसे भी बर्न करने में ये बहुत हेल्प करता है। और जिसे जॉइंट पेन की प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए तो ये आप लगा लीजिए एक ऐसा मिरेकल का काम करता है कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि जॉइंट पेन में ये बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है। और प्लस इसमें फाइबर है फ्रेंड्स, तो फाइबर से ये भरपूर होता है। आप देखिए फ्लैक्सीड्स ऑयल है, फ्लैक्सीड्स आपको नॉर्मल मार्केट में मिल जाएगा, जिसका हम जेल भी बनाते हैं। मैं काफ़ी आपको दिखाऊंगी हेयर मास्क बना के और रिंस वाटर बना के दिखाऊंगी फ्लैक्सीड्स का, जो हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी हेयर की ग्रोथ को बढ़ाता है, शाइनिंग बढ़ाता है हमारे हेयर की। तो आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा काम करता है फ्रेंड्स। अगर आप इसका नियमित सेवन करते हैं तो आपको बहुत चीज़ों से राहत मिल जाएगी। खाने की, देखिए हम लगाने की चीज़ तो अपने फेस पे लगा लेते हैं, अपने बालों पे लगा लेते हैं, वो हम करते हैं, लेकिन अगर हमारी बॉडी अंदर से रिपेयर नहीं हुई तो उसे बाहर से लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है फ्रेंड्स। ये मेरा मानना है कि जैसे कि हम लोगों ने सपोज़ बाहर से सुंदर बनने के लिए 10 चीज़ें लगा ली हैं, बहुत अच्छे लगेंगे, अच्छा लग रहा है हमारा फेस वगैरह, लेकिन अगर आपने इनटेक अच्छा नहीं किया, अच्छा खाया नहीं, तो ये मान लीजिए कि आपकी बॉडी अंदर से रिपेयर नहीं होगी। हर चीज़ हम लोग नहीं खाते हैं फ्रेंड्स, मैं भी दाल चावल सब्जी रोटी जो नॉर्मल लोग खाते हैं वही खाती हूँ। तो हमें उसके लिए एक्स्ट्रा क्या करना चाहिए फ्रेंड, हमें उसके लिए एक्स्ट्रा अपनी केयर करने के लिए फ्रेंड्स कुछ ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। सीजनेबल फ्रूट्स हो गए, सीजनेबल वेजिटेबल्स हो गए, सब्जियां और आपके फल जो होते हैं सीजनेबल, वो हमें ज़रूर खाने चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आप सीजन की चीज़ें खाएंगे तो उसके बेनिफिट्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। सपोज़ मान लीजिए कि आप गर्मियों के दिन में मटर ढूंढ रहे हैं, गर्मियों के दिन में आप सेब ढूंढ रहे हैं, तो सेब तो सर्दियों में पैदा होता है, कीनो ढूंढ रहे हैं, कीनो तो सर्दियों में पैदा होता है, उसकी तासीर ठंडी होती है, तो इसलिए काफ़ी लोगों से खाते नहीं है, लेकिन उनको नहीं पता इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा है। तो फ्रेंड्स मेरा मानना ये है कि आप
अपनी बॉडी को रिपेयर अंदर से भी करें और बाहर से भी करें तो उसका बेनिफिट जो है आपको ज़्यादा मिलेगा फ्रेंड्स। तो मैंने ये देखा है कि फ्लैक्सीड ऑयल को मैंने इनटेक किया और उससे मेरे बालों में काफ़ी शाइन आई है फ्रेंड, बहुत शाइन आ गई है। पहले मेरे बाल, मैं सीरियसली बता रही हूँ आपको, बहुत बेकार थे, बहुत ज़्यादा बेकार थे, मैं बता भी नहीं सकती आपको कि इतने बेकार लगते थे मेरे बाल की मैं क्या बताऊँ आपको। कभी आपके साथ अपनी फ़ोटो शेयर करूँगी पहले की। तो उसके बाद से मैंने देखा है कि इसे लेने के बाद, फ्लैक्सीड ऑयल को लेने के बाद बहुत रिपेयर हुआ है मेरा बॉडी भी, मेरे हेयर भी, इवन मेरी स्किन देखिए आप कि मेरी स्किन भी बहुत रिपेयर हुई है फ्रेंड। तो मुझे तो ये बहुत बेनिफिशियल लगा है और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए क्योंकि इसका बेनिफिट आपको भी उतना ही मिलेगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अलसी में म्यूसिलेज पाया जाता है। म्यूसिलेज जो होता है आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है। किसी भी प्रकार की सूजन आपके शरीर में आ गई है तो उसको अलसी का ऑयल या अलसी जो है कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। और अलसी के सेवन से हमें बहुत सी बीमारियां जैसे एनीमिया होता है उससे भी निजात मिलती है। तो आप एक बार अलसी का तेल या अलसी का सेवन करना शुरू कीजिए फ्रेंड्स। आपको क्या करना है देखिए, अगर आपने अलसी खाना है तो आप कैसे खाएंगे, थोड़े से शुरुआत करके देखिए। अलसी को आप आटे में पीस सकते, सपोज मान लीजिए आपने लिया है 2 कटोरी आटा तो उसमें 1 चम्मच पिसी हुई अलसी को आप डाल लीजिए और गूंद दीजिए तो आपके पूरे परिवार इस तरीके से उसे खा सकता है। बच्चे बड़े सब खा सकते हैं, ओमेगा 3, 6, 9 सब कुछ ये होता है तो वो आप ले सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद जैसे कि आपने सपोज दलिया बनाया तो आप भुनी हुई अलसी अपने बॉक्स में रखिए और थोड़ा सा उसमें स्प्रिंकल कर दीजिए। सपोज आपने सैलेड बनाया है तो भी आप ऐसे ही करिए, अलसी भुनी हुई अलसी आप रखिए और आप उसे स्प्रिंकल करके उसे खा सकते हैं फ्रेंड्स। सुबह सुबह आप अलसी को, भुनी हुई अलसी को, जैसे हम लोग मंचिंग के लिए सुबह सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग में ड्राई फ्रूट्स लेते हैं फ्रेंड्स, उसी तरीके से आप थोड़ी सी भुनी हुई अलसी ले सकते हैं। उससे आपकी बॉडी अच्छे से रिपेयर हो जाएगी, आपके हेयर के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके नेल्स के लिए, आपकी बॉडी में स्वेलिंग है उसके लिए, खून की कमी एनीमिया को दूर करने के लिए, आपके हर चीज़ के लिए हेल्प करेगा फ्रेंड्स ये। तो एक बार आप इसको जरूर ट्राई करिए। तो ठीक है, अगर आपको मेरी ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका क्या बेनिफिट मिला है, आप मेरी बात से सेटिस्फाई हैं या नहीं है। तो इस तरीके से मैं आगे भी वीडियोस बनाती रहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।